आज का विषय है संकट चौथ व्रत के साथ क्या पशुपति व्रत या फिर 1600वां व्रत या फिर कोई भी और व्रत रख सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन कई माताओं बहनों का सोमवार का या फिर 1600वां का या फिर पशुपति व्रत भी होगा। क्या दोनों व्रत रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, आप दोनों व्रत रख सकते हैं, पशुपति व्रत भी रख सकते हैं और आप संकट चौथ का व्रत भी रख सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखें, अगर आप दोनों व्रतों के नियमों का अच्छे से पालन कर सकते हैं तो दोनों व्रत एक साथ रख लें। अगर आप दोनों व्रतों के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आप एक व्रत को छोड़ दें, यानी कि पशुपति व्रत को छोड़ दें। पशुपति व्रत को आप अगले मंडे को रख सकते हैं। इस तरह आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप पशुपति व्रत और संकट चौथ का व्रत रखा है, जो तीसरे हिस्से का प्रसाद होता है उसे आपने खुद ही ग्रहण करना होता है। उसे आप जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोलेंगे तो उस वक्त आप सबसे पहले अपने तीसरे हिस्से का प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद आप बाकी भोजन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका व्रत मान्य भी होगा और आपको दोनों व्रतों का फल मिलेगा। आप दोनों व्रत रख सकते हो। सबसे पहले आप पशुपति व्रत का पूजन करें, उसके बाद आप संकट चौथ व्रत का पूजन कर सकते हैं। संध्या काल में, प्रदोष काल में पशुपति व्रत का पूजन किया जाता है, उस वक्त भी आप पशुपति व्रत का पूजन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों व्रतों का पूजन करें और दोनों व्रतों के नियमों का पालन करें तो आपको जरूर दोनों व्रतों का फल मिलेगा। संकट चौथ व्रत में दिन में कुछ भी नहीं खाया पिया जाता होता है, इसलिए आप दिन में, चाहे आपका पशुपति व्रत है चाहे नहीं, दिन में आपने कुछ खाना नहीं है, निराहार ही इस व्रत को करना है। क्योंकि पशुपति व्रत होने के कारण पहले हम कोई फल वगैरह खा लेते हैं, परंतु संकट चौथ का व्रत साथ में रखने के कारण आप फल वगैरह भी नहीं खा सकते, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।